नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, आपके साथ एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करना चाहूंगा कि विच इज द बेस्ट पेन किलर, कौन सी सबसे अच्छी पेन किलर होती है और क्या क्या क्राइटेरिया होता है ये चूज करने का कि यदि हमको दर्द हो रहा है तो हम कौन सी दवाई लें, कौन सी ना लें। दोस्तों, अगर हम पेन किलर्स की बात करें तो मोटा मोटा उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, यानी आप जाएं दवाई की दुकान पे, बोले मुझे दर्द है और मुझे ये वाली दवाई चाहिए, तो वो आपको केमिस्ट दे देगा। दूसरे होते हैं प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर्स, यानी वो पेन किलर्स जो आपको सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे या उनका रजिस्ट्रेशन नंबर देख के ही आपको केमिस्ट देगा। आप ऐसी उसको एक्वायर नहीं करते, जिसमें प्रीडोमिनेंटली ओपियोइड्स या मॉर्फिन होते हैं, जो कि बहुत तीव्र दर्द या कैंसर पेन के अंदर ही यूज होते हैं। ओवर द काउंटर पेन किलर्स जो कॉमनली हमको मार्केट में मिलते हैं, वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है सेफ पेन किलर्स, जैसे कि एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल, और दूसरे होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी एनसेड्स, जिनका काम पेन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी कम करना होता है। जो बहुत कॉमन पेन किलर्स जिसको हम मार्केट में देखते हैं या खाते हैं, जैसे कि डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, नेप्रोक्सेन, इटोरिकॉक्सेब, आइबुप्रोफेन, ये सब एनसेड्स की कैटेगरी में ही आते हैं। और पैरासिटामोल जो हम कॉमनली फीवर के केसेस में भी लेते हैं, पेन के केसेस में भी लेते हैं, वो सेफर पेन किलर्स की दूसरी कैटेगरी होती है। अगर आप मुझसे पूछे सबसे सेफेस्ट और बेस्ट पेन किलर कौन सा है जो मार्केट में मिलता है, वो है पैरासिटामोल। दोस्तों, पैरासिटामोल एक बहुत ही सेफ पेन किलर होता है। एनसेड्स के जितने साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में होते हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस हो जाना, पेट में अल्सर हो जाना, किडनी के ऊपर इफेक्ट आना, हार्ट या लिवर के ऊपर इफेक्ट आना, ये सब पैरासिटामोल में बिल्कुल भी नहीं होते। पैरासिटामोल आप अप टू 3 grams तक भी बॉडी टॉलरेट कर सकती है बिना किसी इफेक्ट के। पैरासिटामोल को प्रेग्नेंट लेडीज भी ले सकती हैं, पैरासिटामोल को बच्चे भी ले सकते हैं। और पैरासिटामोल सिर्फ फीवर के लिए ही नहीं, बल्कि लिटिल बिट हायर डोज में अगर हम दें तो पेन के लिए भी यूज हो सकती है। जनरली जो हमको मार्केट में मिलती है पैरासिटामोल, वो 500 mg या 650 mg की मिलती है। परंतु अगर आपको दर्द है तो 1 gram तक की पैरासिटामोल भी आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगी, इसको आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। तो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे 80-90 इयर्स ओल्ड का एक ओल्ड पर्सन भी हो, पैरासिटामोल एक बहुत सेफ पेन किलर होती है। परंतु उसकी एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप लंबे समय तक पैरासिटामोल ले रहे हैं और 3 ग्राम से ज्यादा ले रहे हैं, तो वो लिवर के अंदर नेक्रोसिस कर सकती है। दरअसल पैरासिटामोल जब हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज होती है तो उसका एक कॉम्पोनेंट निकलता है जिसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल बेंजोक्विनोल इमीन, यानी NABQI। ये NABQI जो हमारे लिवर पे जाता है तो वो सेंट्री लोब्यूलर नेक्रोसिस करता है, यानी लिवर जो हमारा होता है उसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर लिवर सेल्स की वो मौत करता है, लिवर सेल्स को मारता है, जिसकी वजह से हमारे लिवर फेलियर हो सकता है, लिवर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिससे हमको जॉन्डिस हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ सकती हैं। परंतु ये प्रॉब्लम तभी होती है अगर पैरासिटामोल को हम 3 ग्राम से ज्यादा प्रतिदिन लेते हैं। तो रिकमेंडेड डोज पैरासिटामोल की अप टू 2.5 से 3 ग्राम ही होती है। आप सेफली उसको ले सकते हैं, लंबे समय तक उसको चला सकते हैं। पर अगर आपको दर्द के साथ साथ जलन है, सूजन है, जकड़न है, लालिमा है, तो आपको दर्द के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी भी लेने की जरूरत होती है, जिसके लिए एनसेड्स यूजफुल होती है। पर एनसेड्स को आपको 10 दिन से ज्यादा नहीं लेना है, और अगर आपको एनसेड्स 10 दिन में लेना भी है तो पैरासिटामोल के कॉम्बिनेशन में ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सुपर एडिटिव होता है। यानी एक दवाई और दूसरी दवाई जब मिलती है तो वो 1 और 1 = 2 नहीं 1 और 1 = 11 बन जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि कौन सी पेन किलर सबसे सेफेस्ट है, किसको आप लंबे समय तक ले सकते हैं, और अगर आप चूज कर रहे हैं अपने लिए पेन किलर तो कौन सी आपको सबसे पहले लेनी चाहिए। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।